तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर अपनी जेबें ढीली करने को लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में ज़रूरी चीज़ होती है क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से महंगाई ऊपर नीचे होती रहती है। और अगर यहाँ पर सप्लाई और डिमांड मिसमैच कर दी जाए ना, तो यहाँ पर इसके प्राइस भी मिसमैच हो जाते हैं, और प्राइस मिसमैच होने से यहाँ पर महंगाई भी मिसमैच हो जाती है, ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर ये जो ओपेक प्लस देश है वो ऐसा ही करते हैं, जब भी इन्हें लगता है कि भाई यहाँ अभी प्राइस इसके कम चल रहे हैं और इसको बढ़ाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर सऊदी अरब ने 1 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन था वो कम करने का फैसला ले लिया है, और इसका सीधा सीधा असर यहाँ पर पूरी दुनिया पर तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो इसका निश्चित तरीके से यहाँ पर जो असर है वो भारत पर पड़ेगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, यहाँ पर भारत के ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा, और जो रशिया का जो सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा है डिस्काउंट वाला, उससे क्या हो सकता है, और दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और जो सऊदी अरब ने जो फैसला लिया है वो क्यों लिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं और इसका भारत पर क्या असर होगा। तो देखिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए एनर्जी का मिलते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपकी GDP आगे बढ़ती है, बल्कि इससे इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका असर महंगाई पर पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो महंगाई भी ऊपर जाएगी, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा तो महंगाई भी नीचे जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल का यूज़ केस बहुत ही ज़्यादा है। आपको कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए यहाँ पर ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाले कुछ ही देश है जो क्रूड ऑयल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने ओपेक नाम से ग्रुप बना रखा है जो दुनिया की GDP को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि इन्हीं के हाथों में सप्लाई भी है और इनका प्रोडक्शन भी है, और ये इसका फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए उठाते हैं और इसकी सप्लाई और प्रोडक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, और इसका असर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर होता है। और रिसेंटली भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसका असर पूरी दुनिया पर तो होगा, लेकिन इसका साथ में भारत पर भी इसका बहुत ही बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओपेक प्लस ने अप्रैल के बाद फिर से प्रोडक्शन कट करने का फैसला लिया है। और जब प्रोडक्शन कट होगा तो यहाँ पर मार्केट में ऑयल कम होगा, और जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं CNBC का आर्टिकल है ये, ऑयल प्राइसेस राइज आफ्टर सऊदी अरेबिया प्लेजेस मोर वॉलेंट्री प्रोडक्शन कट, यानी कि यहाँ पर सऊदी अरब ने फैसला लिया था कि भाई हम अपनी तरफ से 1 मिलियन बैरल पर डे ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कट करेंगे जुलाई के महीने से। और ऐसा जो फैसला आया सऊदी अरब की तरफ से, तो उसके बाद जो प्राइस है ऑयल के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो इसका पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। ये 4 जून का ये आर्टिकल है, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो मिंट का आर्टिकल है ये, ओपेक प्लस टू लोअर प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 2024 बाय 1.4 मिलियन बैरल पर डे सऊदी टू कट आउटपुट इन जुलाई, यानी कि यहाँ पर जो ओपेक प्लस है, ओपेक तो 13 देशों का जो समूह है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ जो प्लस देश है उनका भी समूह है, ये जो ऑफिशियली मेंबर तो नहीं है लेकिन ये सारे के सारे जो नीतियाँ हैं वो ओपेक की फॉलो करते हैं। तो ओपेक को यहाँ पर सऊदी अरब लीड करता है, जो ओपेक प्लस है उसको यहाँ पर रशिया लीड करता है। तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन टारगेट है वो 2024 तक वो 1.4 मिलियन बैरल पर डे कम करने का टारगेट रखा है कि भाई हम यहाँ पर इतना बैरल कम करेंगे, और सऊदी अरब ने तो 1 मिलियन बैरल पर डे कट करने का टारगेट रखा है जुलाई में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपेक प्लस जिसे सऊदी अरब और रशिया लीड करता है, उसने यहाँ पर अपने प्रोडक्शन का टारगेट 1.4 मिलियन बैरल पर डे कम कर दिया है, जिससे सबसे ज़्यादा ऑयल कट सऊदी अरब ने किया है, वो भी किया है 1 मिलियन बैरल पर डे, और बाकी का 0.4 मिलियन बैरल पर डे का जो ऑयल आउटपुट है वो ओपेक प्लस के बाकी के देश पूरा करेंगे, और सऊदी अरब अपना ऑयल आउटपुट जुलाई 2023 से करना शुरू कर देगा, जो आगे पता नहीं कब तक चलेगा, और ये चलेगा तो हो सकता है ये रुक भी सकता है, लेकिन ये जो कम हो गया ना तो उसके बहुत कम चांसेस है कि ये अब जो है वापस से ये बढ़ा दें। और ऐसा नहीं है कि ओपेक प्लस ने ऐसा पहली बार किया है, ओपेक प्लस अपना ऑयल प्रोडक्शन में कट पहले भी कई बार कर चुका है।
अभी 2 महीने पहले ही ओपेक ने 1.16 मिलियन बैरल ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको कट कर दिया था, जिससे ऑयल का प्राइस ग्लोबल मार्केट में लगभग $9 प्रति बैरल चढ़ गए थे। और इतना ही नहीं, इससे भी पहले 2022 के एंड में ओपेक प्लस ने यहाँ पर 2 मिलियन बैरल पर डे का जो ऑयल आउटपुट था वो कट कर दिया था, जिससे तेल के प्राइस और ज़्यादा बढ़ गए थे। यानी कि ओपेक प्लस बार बार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करता रहता है। और अभी जो ऑयल आउटपुट में कट किया गया है उसको लेकर ओपेक प्लस ने ये कहा कि हम ऑयल मार्केट को सस्टेनेबल रखने के लिए प्रोडक्शन कट कर रहे हैं और इससे ऑयल मार्केट को लॉन्ग टर्म में फ़ायदे होंगे। तो देखिए, ये सब अपने फ़ायदे वाली बात है, ये सब ऊपर ऊपर की बात है, लेकिन असली में जो फ़ायदा है वो यहाँ पर पैसों का मामला है भाई। उनको पैसा चाहिए। अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो यहाँ पर इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि ओपेक प्लस ने यहाँ पर ऑयल आउटपुट कट करने का फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे की क्या वजह है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वीक ग्लोबल डिमांड। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल का कंज्यूमर चाइना है, और चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, पूरी दुनिया को अपने बनाए सामानों को एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन कोरोना वायरस से चाइना की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई, क्योंकि वहाँ पर जीरो कोविड की पॉलिसी लागू थी, जिसका असर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ा। और ये उम्मीद की जा रही थी कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी कोविड से पहले, लेकिन सबकी उम्मीद यहाँ पर धरी की धरी रह गई और चाइना कोरोना से अभी तक भी रिकवर नहीं कर पाया है। और चाइना की तरफ से ऑयल की डिमांड कम होने से यहां पर लगातार क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो लगातार गिरते ही जा रहे थे, जिससे ओपेक प्लस के देशों को जो प्रॉफिट था वो कम होता जा रहा था, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए महंगे से महंगा तेल बेचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगातार इस तरह से पिछले 6-7 महीनों में 3 बार ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कट कर दिया गया है। और यहाँ पर रूस पश्चिमी देशों पर गुस्सा है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के ऑयल पर प्राइस कैप लगा रखा है, जिससे उसका जो ऑयल है वो कोई ख़रीदना चाहे तो उसके लिए $60 से कम का रेट देना होगा, तो तभी उन्हें पश्चिमी देशों की इंश्योरेंस सर्विस मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। अगर $60 से ऊपर का जो प्राइस पे खरीदेगा कोई देश तो उसको यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बैंकिंग क्राइसिस भी देखने को मिल रही है, जिसकी शुरुआत सिलिकन वैली बैंक के डूबने से हुई है, और उसके बाद कई सारे दूसरे बैंक डूब गए, जैसे कि सिग्नेचर बैंक भी डूब गया। और ये बैंकिंग क्राइसिस 2008 में आई मंदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस है, और इस पूरे बैंकिंग क्राइसिस के दौरान जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अपने रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट कर रहे हैं, और ऑयल सेक्टर उनमें से भी एक है। क्योंकि देखा जाए तो मार्च 2022 में ऑयल का जो प्राइस था वो $139 तक चला गया था, लेकिन अब इसका जो प्राइस है वो $70-80 के आसपास है। यानी कि इन्वेस्टर को ऑयल में पैसा इन्वेस्ट करने से नुकसान हो रहा था, जिससे इन्वेस्टर्स यहां पर अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे इनके प्राइस और ज़्यादा गिर रहे थे। और इसके अलावा ग्लोबल रिसेशन जो आने वाला है उसमें भी ऑयल प्राइस गिरने वाले हैं, और जर्मनी में तो मंदी आ भी चुकी है। पिछले 6 महीनों में जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो लगातार गिर रही है, 2 क्वार्टर से माइनस में चल रही है, जिससे टेक्निकली जर्मनी में मंदी आ गई है। तो ऐसे दौर में, मंदी के दौर में ऑयल की डिमांड लगातार गिर रही है, और डिमांड कम होने से अल्टीमेटली इसका असर ऑयल मार्केट पर और इसके प्राइस पर भी पड़ेगा, और ये प्राइस गिरेंगे, और ये चीज़ ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों को नुकसान देगी, और उन्हें इसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए डिमांड और सप्लाई को मैच कराना ज़रूरी होगा, जिससे प्राइस भी बढ़े और ये इनको जो तकड़ा फ़ायदा भी होता रहे। तो यहाँ पर सऊदी अरब तो अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कर रहा है, लेकिन साथ में रूस भी अपना प्रोडक्शन कम कर रहा है, जिससे आने वाले समय में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो बढ़ने वाली है। और इतना ही नहीं, ओपेक प्लस जो ये सब चीज़ें कर रहा है उससे यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि दुनिया में लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा आ रहा है, जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। रूस यूक्रेन वॉर और चाइना की कोविड से जो रिकवरी की वजह से दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिससे ये चीज़ें महंगाई बढ़ा रही है। और अगर यहाँ पर ऑयल भी महंगा हो जाएगा तो तब यहाँ पर महंगाई आसमान छुएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका जो है वो ओपेक प्लस के देशों से नाराज़ है कि दुनिया महंगाई से लड़ रही है, तुम ऐसे काम कर रहे हो जिससे महंगाई बढ़ रही है, तो भाई ये बात ठीक नहीं है। और जब ओपेक प्लस ने अप्रैल में प्रोडक्शन कट किया था तो तब अमेरिका ने यहाँ पर ओपेक प्लस के फैसलों को काफ़ी गलत बताया था, और इतना ही नहीं, पूरे पश्चिमी देशों ने यहाँ पर ओपेक प्लस को एक क्रिटिसाइज भी किया था कि ओपेक तो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है प्रोडक्शन कट करने से, और ये रूस का पक्ष भी ले रहा है। तो इतना ही नहीं, यूएसए तो यहाँ पर नोपेक नाम से बिल भी लेकर आया था अपनी पार्लियामेंट में, जो अभी तक पास तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो कोई गड़बड़ी ओपेक के जरिए साबित हो जाने पर अमेरिका ओपेक के एसेट्स को सीज कर सकता है। तो मामला इतना ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आप भी यही सोचोगे तो भारत तो यहाँ पर क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट कर रहा है, रशिया से मंगा रहा है, वो भी डिस्काउंट में, तो भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
अभी मई महीने का डेटा आया है जिसमें रूस फिर से भारत का टॉप क्रूड ऑयल का सप्लायर बन गया है, और ये इतना ज़्यादा है कि अगर आप यूएसए, यूएई और इराक का आपस में जोड़ोगे तो तब ये रूस के क्रूड ऑयल से कम ही है, और ये भारत के टोटल क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट का 42% है जो रशिया से आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके पीछे कारण ये है कि रूस भारत को डिस्काउंट देता है, लेकिन बाकी का 58% हम ओपन मार्केट से भी तो खरीद रहे हैं जो अभी भी रूस के ऑयल से ज़्यादा है, और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी, और इससे रूस से आने वाले डिस्काउंटेड ऑयल भी महंगा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी क्रूड ऑयल का प्राइस $80 है और अगर रूस $10 का डिस्काउंट देता है तो ये $70 में भारत को मिलेगा, लेकिन जब मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और ये $90 होगा तो तब डिस्काउंट भी तो $10 होगा, तो तब ये 70 से बढ़कर $80 पर हमें मिलेगा रशिया से। तो प्राइस बढ़ने से नॉर्मल ऑयल और डिस्काउंटेड ऑयल दोनों की कीमत बढ़ेगी और उससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। तो आपको अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है तो कीमत बढ़ने से पहले खरीद लेना या फिर कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।